आज की वीडियो के बाद आप लोग समझ जाओगे कि आपको OBS यूज करना है कि स्ट्रीमलैब OBS यूज करना है, दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स है, दोनों के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सेटअप थोड़ा चेंज लग रहा है, दैट इज बिकॉज लाइट्स नहीं है, अभी घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, बिजली का बिल नहीं भरा गया है, यहाँ पे स्टूडियो का किराया नहीं भरा गया है और फिलहाल मेरे को दूसरे रूम में शिफ्ट करना पड़ेगा, वहां पे नेचुरल लाइट आई है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब लोग के पास सुन जाए, अभी बर्थडे लॉकडाउन के अंदर बर्थडे तो मना नहीं पा रहे होगे, तो इंडिया के अंदर 47 लाख पीपल, वर्ल्ड के अंदर 20 मिलियन लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। तो वीडियो को फाइन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है लक्ष्य, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक 121। एको बहुत हो रही है ना यहां पे, हेलो। चलो तो आज हम लोग फिर से आपके फेवरेट टॉपिक स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे OBS वर्सेस स्ट्रीमलैब्स OBS, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, क्या खामियां है, क्या अच्छी चीजें हैं, सब आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये हैं क्या दोनों सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली जैसे आपको अपने मतलब पीसी से स्ट्रीम करनी है, चाहे मोबाइल और पीसी कॉम्बाइन करके स्ट्रीम करनी है, आपको किसी भी तरीके से स्ट्रीम करनी है, तो जो दो हमारे पास मेजर सॉफ्टवेयर निकल के आते हैं वो है OBS और स्ट्रीमलैब्स OBS। अब हमारे पास और भी है, एक्सप्लिट होता है एक, और अपना काफी सारे अलग अलग लाइव वाले हैं सॉफ्टवेयर्स, बट जो मेजरली यूज होते हैं और जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपको फीचर्स और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है वो जो है सॉफ्टवेयर्स, वो OBS और स्ट्रीमलैब्स OBS हैं। अब दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है कि जो OBS है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, वो एक मतलब कि OBS स्टूडियो नाम है उसका एप्लीकेशन का, तो वो जो है वो सदियों से चलती आ रही है और उसका जो इंटरफेस है वो इतना बढ़िया नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस निकल के आता है वो है इंटरफेस। जो स्ट्रीमलैब्स OBS है वो लेटेस्ट नया बनाया गया है, ठीक है। जो स्ट्रीमलैब्स OBS है वो रिसेंटली आया और उसके ऊपर काफी सारी कंपनीज काम कर रही हैं, उसके ऊपर काफी सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। बाकी मैं आपको इन शॉर्ट अगर बताना चाहूं तो ये ऐसा है कि OBS जो है वो सरकारी हॉस्पिटल है और अपना जो स्ट्रीमलैब्स OBS है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है। तो अभी प्राइवेट हॉस्पिटल है, अच्छी फैसिलिटीज है, अच्छा सब कुछ है, बट उसके लिए अब तुम्हें पे भी ज्यादा करना पड़ेगा। सरकारी हॉस्पिटल है, 10 रुपए देके इलाज हो जाएगा और फैसिलिटीज यहाँ पे भी हैं, ठीक है। ऐसी चीज नहीं है कि फैसिलिटीज नहीं है, और बल्कि इनके पास सारी नई टेक्नोलॉजीज हैं, तो ऐसा कुछ सीन रहता है। अपना बहुत गंदा एग्जांपल था, मेरे को मालूम है, बट तुम्हें समझ आ गया, ठीक है। तो अच्छा एग्जांपल माना गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो OBS है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ओपन सोर्स है, मतलब कि उसका इंटरफेस आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। कभी यह कहना चाहते हैं इस काव्य में कि जो स्ट्रीमलैब्स OBS है वो जो है तो एक OBS का पार्ट ही, उसके आगे भी OBS लगा हुआ है, उसको शॉर्ट फॉर्म में आप SLOBS लिखते हो, स्ट्रीमलैब्स OBS। अगर मैं OBS के बारे में बताऊं तो OBS की फुल फॉर्म क्या है, ओपन ब्रॉडकास्टर सॉफ्टवेयर, जिसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है, ओपन खुला हुआ ब्रॉडकास्टर, जो भी आप देख रहे हो, जो भी कर रहे हो उसको ब्रॉडकास्ट करो, सॉफ्टवेयर उसको करने वाला, ठीक है। तो OBS जो है वो मतलब एक मेजर नीव है, इसी टाइम पे पीपी कर लो, हाँ। तो OBS जो है वो एक मेजर नीव है और जो स्ट्रीमलैब्स OBS है वो उसको रिफॉर्म करके बनाया गया, ठीक है। तो अब डिफरेंस ये निकल के आता है कि OBS जो है ना वो इंटरफेस के ऊपर उसने इतना खर्चा नहीं कर रखा, उसके पास इतने ज्यादा फैसिलिटीज उतनी नहीं है जितने प्राइवेट हॉस्पिटल में आएंगी, बट OBS का जो मेन अपना रहता है वो रहता है अपना परफॉर्मेंस देने में, एफिशिएंसी देने में, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप कोई भी गेम स्ट्रीम करो तो उसके अंदर आपका जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो गेम पे होएगा और जो आपके पीसी के रिसोर्सेज यूज होंगे वो गेम चलाने में और OBS चलाने में यूज होंगे। अब स्ट्रीमलैब्स OBS के अंदर क्या, स्ट्रीमलैब्स OBS के अंदर अलर्ट्स चलती है, स्ट्रीमलैब्स OBS के अंदर चैट चलती है, उसके अंदर 10 और सारी चीजें होती है, ठीक है। तो वो जो है आपकी बेसिकली ज्यादा रिसोर्सेज खाता है, तो मतलब कि अगर आपके पास एक बीस्ट पीसी है, गॉड लेवल पीसी, डायनेमो क्रॉन्टन कैरिमिनाटी पीसी, ठीक है, तो आप लोगे स्ट्रीमलैब्स OBS, ठीक है। स्ट्रीमलैब्स OBS के अंदर आपको फायदे क्या मिल जाते हैं कि उसके अंदर आप चैट चला सकते हो, उसके अंदर आपके पास जो सारे अलर्ट्स हैं, सारे लेबल्स हैं, सारी चीजें इनबिल्ट मिल जाती हैं, उसके अंदर आपके पास तरह तरह के रिसोर्सेज ऐड करने की अपनी क्षमता है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो सोर्सेज ऐड करने हैं उसके अंदर थोड़े से जुगाड़ उगाड़ लगाने पड़ते हैं, ठीक है। स्ट्रीमलैब्स के अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स आ रहे हैं, जैसे फेस मास्क आ जाता है उसके अंदर उन्होंने रिसेंटली कुछ और नए नए फीचर्स निकाले हैं, फेस ट्रैकिंग वगैरह कुछ सिस्टम उन्होंने निकाले हैं, उन्होंने काफी सारी अलग अलग चीजें रखी, उन्होंने उनके पास स्ट्रीमलैब्स का बॉट है, क्लाउड बॉट है, अपना डोनेशन टिकर है, मतलब कि उन्होंने बेसिकली स्ट्रीम को अच्छा दिखाने के अंदर बहुत सारी मेहनत कर रखी है। बट इस सब को चलाने के लिए आपको एक बहुत तगड़ा पीसी चाहिए। अब जो OBS है वो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है और उन्होंने सिर्फ यही सोचा कि जो स्ट्रीम है वो होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि किसी भी टाइप के पीसी में स्ट्रीम हो सके अच्छे से। तो OBS जो है वो आपको उसका इंटरफेस बहुत बेकार लगेगा, स्ट्रीमलैब्स आप देखोगे उसको इंटरफेस इतना तगड़ा लगेगा उसका आपको इंटरफेस, बट जब आप वहां पे स्ट्रीम करने जाओगे, जब मैंने स्ट्रीम करने स्टार्ट करी थी तो ये सीन था कि मैंने सोचा कि भाई स्ट्रीमलैब्स बड़ा तगड़ा है, सब कुछ इनबिल्ट आ रहा है, चैट भी मैं यहीं पे पढ़वा रहा हूं, सब कुछ बहुत मस्त है, ठीक है। तो मैंने स्ट्रीमलैब्स से स्टार्ट करा, बट मैंने स्ट्रीमलैब्स से स्ट्रीम स्टार्ट करी और मेरी जो गेम लैग हुई इतनी ज्यादा लैग हुई, स्ट्रीम में कर ही नहीं पाया।
फिर मैंने ओबीएस से ट्राई करा, ठीक है, जैसे वो है ना पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें वाला, तो तुम भी ट्राई करके देख लेना, स्ट्रीमलाइन ट्राई करके देख लो, ओबीएस भी ट्राई करके देख लो। ओबीएस से जब मैंने स्ट्रीम करी तो उसके अंदर मेरे को झंझट बहुत हुआ, उसके अंदर मेरे को सोर्सेज ऐड करने का बहुत झंझट हुआ, उसके अंदर मेरे को अलर्ट्स डालने का, सब्सक्रिप्शन अलर्ट, डोनेशन अलर्ट डालने का बहुत झंझट पड़ा। बट उसके बाद जो हमारे पास एंड रिजल्ट निकल के आया वो ये आया कि जो स्ट्रीम है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हुई, जो अपना 720p 60fps में बहुत अच्छे स्ट्रीम कर पाया इतने बेकार पीसी होने के बावजूद भी। तो ऐसा सीन है ओबीएस और स्ट्रीमलाइन ओबीएस का। और देखो डिफरेंसेस ये आते हैं कि ओबीएस जो है वो एक मतलब कि रॉ है, ठीक है, कि आपको उन्होंने आटा दे दिया, आपको उन्होंने चावल दे दिया, आपको उन्होंने सारी चीजें दे दी, आपको उन्होंने दूध दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब आपने उससे बैठ के रोटी खीर बनानी है खाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने आपको क्या दिया, डायरेक्ट रोटी खीर दे दी, तो वहां पे जो है आप उसका जो मर्जी कर सकते हो, आप आटे से अलग अलग टाइप की रोटी बना सकते हो, आप तवा रोटी बना सकते हो, तंदूरी रोटी बना सकते हो, जो मर्जी बना सकते हो। इधर इन्होंने आपको सिर्फ चपाती डाल के दे दी और सिर्फ एक खीर दे दी, ठीक है, साथ में। अब उधर आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप चावल अलग बना सकते हो, खीर अलग बना सकते हो, काफी कुछ कर सकते हो, मतलब जितने आपके रॉ मटेरियल्स हैं उनको आप यूज करके जो मर्जी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके पास पहले से क्रिएटेड है तो आपकी जो क्रिएटिविटी की लिमिट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो उसके अंदर आप जो है हर चीज कर सकते हो जो इसमें कर पा रहे हो, बट उसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी अपना क्रिएटिव माइंड यूज करना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा आईक्यू यूज करना पड़ेगा, ठीक है, वो यूज करने के लिए सारी चीजें। तो ऐसा बेसिकली सीन है। स्ट्रीमलैब्स के अंदर आपके पास अलग अलग थीम ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे आप देखते हो कि डायनेमो की स्ट्रीम हो गई या फिर कैरी की स्ट्रीम हो गई, कैरी आजकल वैसे लगाता नहीं है, और किसी की भी स्ट्रीम हो गई तो उसके अंदर जो है अलग अलग बैनर आ जाते हैं पूरे स्क्रीन पे, सब कुछ उन्होंने पहले से प्री प्रोग्राम कर रखा होता है। इसके अंदर आपको एक एक सोर्स खुद ऐड करना पड़ता है या फिर आपको स्ट्रीमलैब्स से इंपोर्ट करना पड़ेगा एक ब्राउजर सोर्स करके, ठीक है। अगर आपको इस सब का कुछ ट्यूटोरियल चाहिए तो मेरे को कमेंट सेक्शन बता देना, बहुत आसान है, मैं बना दूंगा वो भी, बट एक्चुअली उसकी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, तो सर्च कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको ये बता रहा हूं कि ओबीएस और स्ट्रीमलाइन ओबीएस में डिफरेंस क्या है और आपको क्या यूज करना चाहिए और क्यों यूज करना चाहिए। और देखो डिफरेंस ये आता है कि जैसे मान लो आपने ओबीएस के अंदर कुछ सीन्स क्रिएट करके रख रखे हैं, वहीं आपने स्ट्रीमलाइन के अंदर कुछ सीन्स क्रिएट करके रख रखे हैं, तो स्ट्रीमलाइन जो है वो काफी ज्यादा कंपेटेबल है, वो कहीं से भी आपके सीन्स जो इंपोर्ट कर सकता है। ओबीएस के अंदर आपको बहुत ज्यादा सिक्योर रहना पड़ता है, खुद के बैकअप बना के रखने पड़ते हैं, खुद क्लाउड पे ड्राइव पे अपलोड करके रखना पड़ता है सारा सीन, और उसके बाद भी भरोसा नहीं कि वो वाला सीन इंपोर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसा भी सीन है कि उसके अंदर कुछ कुछ आ जाते हैं, कभी कभी ग्लिचेस वगैरह आ जाते हैं ओबीएस के, हालांकि नए नए अपडेट्स बहुत सारे आ रहे हैं रिसेंटली, वो बना रहे हैं स्ट्रीमलैब जैसा, बट वही दूसरी साइड वो रिसोर्सेज की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो अपना रिसोर्सेज की तरफ देख रहे हैं कि हाँ पीसी के बहुत कम रिसोर्सेज यूज हो। अगर मैं आपको एक अपना स्केल पे बताऊं तो जैसे कि मेरा पीसी है, मैं ओबीएस चलाता हूं, मेरा 7% सीपीयू यूज होता है ओबीएस में, स्ट्रीमलैब चलाता हूं मेरा नियरली 50% 60% तो स्ट्रीमलैब ही खा जाता है, ठीक है। तो ये सीन है बेसिकली कि आपके पास अगर रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं तो आप स्ट्रीमलैब्स की तरफ जा सकते हो, बट अगर आपके पास मीडियम पीसी है या हायर एवरेज मीडियम पीसी है, कुछ भी पीसी है, तो आप ओबीएस की तरफ ही जाओ, ओबीएस के अंदर बहुत ज्यादा कस्टमाइजेबल ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब अगर बात आती है कि चैट की, तो चैट जो है आप स्ट्रीमलैब्स में तो डायरेक्ट पढ़ सकते हो, एप्लीकेशन के अंदर दे रखे, उन्होंने सब कुछ अंदर दे रखा है। ओबीएस के अंदर आप मान लो स्ट्रीम करते हो, आपको साथ में चैट पढ़नी है, तो ठीक है, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस निकल के आते हैं, जैसे कि अगर तो आपके पास डुअल मॉनिटर पीसी है तो आप दूसरे मॉनिटर के ऊपर यूट्यूब खोलो, चैट पढ़ो इजी, या फिर आपके पास दो फोन पड़े हैं या आप पीसी से स्ट्रीम करो और आपके पास फोन एक्स्ट्रा पड़ा है, ठीक है, तो आप फोन के ऊपर चैट लगा के उसको ट्राइपॉड पे लगा दो, चैट पढ़ो इजी। तो बात आती है कि अगर आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर अपना ओबीएस भी दिखता हुआ दिखना चाहिए और साथ में अपनी चैट भी दिखती हुई चलती हुई दिखनी चाहिए, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि या तो आप ओबीएस की विंडो मिनिमाइज करो और साथ में अपना क्रोम के ऊपर चैट खोल लो। हालांकि क्रोम जो है वो मेमोरी खाता है बहुत ज्यादा, आपको ये भी पता होगा कि जो क्रोम ब्राउजर है वो ऐसा ब्राउजर है तगड़ा सा, वो बहुत मेमोरी खाता है, 20-25% खा जाता है, ठीक है। तो या तो आप ये कर सकते हो या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि ओबीएस के साथ आप एक प्लगइन यूज करो। प्लगइन क्या होता है कि आपका एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर आपने कुछ ऐसे फूक दिया उसके ऊपर, जैसे कि पिज्जा है आपके पास, आपने उसके ऊपर पेपरोनी डाल दिया, सिजलिंग्स डाल दी, टॉपिंग्स डाल दी, तो वो और टेस्टी बन गया, ठीक है। तो ऐसी ओबीएस के अंदर एक प्लगइन आता है स्ट्रीम एलिमेंट्स प्लगइन, ठीक है। स्ट्रीम एलिमेंट्स एक और अलग वो है, अपने पास सर्विस है, फ्री सर्विस है, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ सब फ्री है, ओबीएस फ्री है, स्ट्रीमलैब्स फ्री है, अपना स्ट्रीम एलिमेंट्स फ्री है, सारे फ्री है। दिक्कत यह है कि जो ओबीएस है वो कंप्लीटली फ्री है, उसके अंदर कोई फीचर पेड नहीं है। स्ट्रीमलैब जो है वो आपको मैक्सिमम फीचर्स फ्री दे देता है, उसके बाद अगर आपको अपर फीचर्स चाहिए तो पेड है। स्ट्रीम एलिमेंट्स के अंदर भी सेम सीन है। तो अब स्ट्रीम एलिमेंट्स का एक प्लगइन आता है स्ट्रीम एलिमेंट्स ओबीएस लाइव, वो क्या करता है आपके ओबीएस की विंडो के अंदर ऐसे घुस जाएगा, चूहे की तरह से घुस जाएगा और मस्त आपको उसी विंडो के अंदर, ओबीएस वाली विंडो के अंदर ही स्ट्रीमलैब्स वाली पूरी फीलिंग दिलवा देगा।
और रिसोर्सेज भी यूज होंगे, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब ये सारी चीजों के लिंक का मिलेंगे, आपको पता होगा, आप बहुत ज्यादा समझदार हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर सारे लिंक्स नहीं मिलेंगे, हाँ मिल जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, दे दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ी मेहनत करनी होगा अभी। अब तुम्हें क्या मेहनत करनी है, तुमने करना है वीडियो लाइक, वीडियो करना है शेयर, जो भी स्ट्रीम करना है आसपास, ठीक है, सारे ऐसे दोस्तों को शेयर कर दो, जो भी अभी ऐसे 100 सब्सक्राइबर 200 मिलियन सब्सक्राइबर जितने भी कॉन्टेक्ट जितने सबको शेयर होना चाहिए। ठीक है, एक कॉन्टेक्ट नहीं बचना चाहिए, पूरा दिन लगा दो व्हाट्सएप पे, 5-5 करके सबको फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, और सर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मस्त ऐसे कंटेंट वांटेड आता रहता है स्ट्रीमिंग ट्यूटोरियल से रिलेटेड। मैंने 2-4 ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, मस्त अपनी वो जाके चेकआउट कर लेना अगर उसके अंदर इंटरेस्टेड हो आप। तो इसी साथ वीडियो को फाइनल स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं, तभी कहते हैं आराम आराम से बोलो, टेक्निकल गुरुजी बनने की जरूरत नहीं है, वो एक्सपीरियंस है अंकल हमारे। ठीक है, हम एक्सपीरियंस नहीं है, धीरे बोल। तो वीडियो फाइनली एंड करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में, एज ऑलवेज जय हिंद, वंदे मातरम, सनारा और शब बखैर, बाय बाय, हैप्पी स्ट्रीमिंग, और भूल मत जाना स्ट्रीमिंग के स्टार्ट करने के बाद मेरे को। ठीक है, बाय।